हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूले थे या नंबर सिस्टम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोस में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड Q is not equal to zero। इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में पूछ रहा है कि क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है? अगर है तो क्या उसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और जहाँ पे Q not equal to zero होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात तो यस, पहला क्या होगा, यस। यस क्यों? कि ये जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। जीरो क्या है, एक जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या है जीरो? रैशनल नंबर है, ठीक है ना। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, और उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन भी तो लिख सकते हैं। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन। जीरो बाई वन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। तो जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है। आप देख सकते हो क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये कन्फर्म होता है कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, और हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो यस। इसका क्या होगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, और कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो यस वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पर मैंने लिख दिया जीरो बाई वन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें पूछ क्या रहा था कि जीरो एक रैशनल नंबर है, तो हाँ जीरो एक रैशनल नंबर है, और क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा, जीरो बाई वन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, जीरो बाई वन होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन था, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, तो बिल्कुल पी और क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर ही हैं। जीरो भी एक इंटीजर है और वन भी एक इंटीजर है, और q is not equal to zero, तो q क्या है, डिनोमिनेटर है। वहाँ पे q क्या है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। हमारा डिनोमिनेटर क्या है, वन है, इस वजह से हम इसको p by q के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के बीच में, तीन और चार के बीच में मुझे छः रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। तीन और चार, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालने कितने हैं, सिक्स रैशनल नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, सिक्स में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा। और इस सेवन से क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम थ्री को क्या लिख सकते हैं, पहले तो थ्री बाई और फोर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो थ्री को पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई वन लिख सकते हैं, ठीक। और फोर को क्या लिख सकते हैं, फोर बाई वन लिख सकते हैं। वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसकी वैल्यू थ्री और फोर ही रहेगी, बस मैंने थ्री और फोर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। लिख लिया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, जो हमने सिक्स प्लस वन सेवन लिखा, इस सेवन का मल्टीप्लाई हम दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इस नंबर के भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, थ्री अपॉन वन इंटू सेवन अपॉन सेवन, ठीक। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, फोर अपॉन वन इंटू सेवन अपॉन सेवन, ठीक है। सेवन से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों के बीच में सिक्स रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यू चेंज ना हो। अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर में करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
21 अपॉन 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 7 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का वो क्या है सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे अब दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 22 हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 22 अपॉन 7, दूसरा क्या हो जाएगा 23 अपॉन 7, तीसरा 24 अपॉन 7 और चौथा कितना हो जाएगा 25 अपॉन 7, पांचवा 26 अपॉन 7 और लास्ट क्या हो जाएगा 27 अपॉन 7। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर्स आपके यहाँ पे आ गए। किसके किसके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, जैसे यहाँ पे 6 निकालना है तो 6 में 1 जोड़ दिया इज इक्वल टू 7 लिखा। 7 क्यों लाए हैं हमें, क्योंकि बाद में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए हुए हैं तो हमें उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3 को मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में 3/1 लिखा और 4 को 4/1 लिखा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इस 7 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में इस फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर दोनों में, फिर यहाँ पे भी हम इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वैल्यू चेंज ना हो। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें दोनों के बीच में रैशनल नंबर 6 मिल जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 पहला फ्रैक्शन, दूसरा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 ये यानी क्या बन गया 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7। अब आराम से अब देख रहे हो दोनों के बीच में प्रॉपर गैप है और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। तो पहला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7, दूसरा 23 अपॉन 7, तीसरा 24 अपॉन 7, चौथा 25 अपॉन 7 और पांचवा 26 अपॉन 7 और लास्ट 6 27 अपॉन 7। तो ये टोटल 6 रैशनल नंबर्स आ गए 3 और 4 के बीच में। तो ये ऐसा ये प्रोसेस होता है दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का, अगर दोनों नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में दिए हैं तो उसका मैं अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें कितना 5 रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आइए देखते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम पहले क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ लेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 आ गया ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर देखेंगे ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं था, बस इस बार ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो पहला नंबर क्या है 3/5 है और दूसरा क्या है 4/5 है, दोनों के बीच में हमें कितना 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 का मल्टीप्लाई दोनों में, दोनों के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इस नंबर के भी और इस नंबर के भी मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं 6 3/5 × 6/6 4/5 × 6/6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ रहा है बिकॉज वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू में कोई अंतर ना हो। 3 6 18, 5 6 30 और ये कितना हो गया 6 4 24 अपॉन 5 6 30 हो गया ठीक। अब ये दोनों आ गए, अब रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ रैशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स आपके। तो पहला रैशनल नंबर हो जाएगा 19 अपॉन 30, दूसरा रैशनल नंबर 20 अपॉन 30,
तीसरा 21/30, चौथा 22/30 और लास्ट 23/30। ये कितने पांच रैशनल नंबर्स आ गए जो कि हमें फाइव रैशनल नंबर्स निकाल दिए थे। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में हमें पांच रैशनल नंबर निकालने थे और ये आपके क्या हैं? वो पांच रैशनल नंबर्स हैं। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें एक जोड़ लेना है और एक जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख लेना है। फिर चेक करना है कि जो जिसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर नहीं होता है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और इस नंबर के भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 3 18, 5 6 30 और यहाँ पे 6 4 24 और 5 6 30। तो ये हमारा जो नंबर्स है वो क्या बन गया, 18/30 और ये 24/30। अब आपको दिख रहा होगा दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और न्यूमरेटर में डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। 19/30 पहला रैशनल नंबर हो जाएगा, दूसरा 20/30, तीसरा 21/30, चौथा 22/30 और लास्ट 5 23/30। यहाँ से पांच रैशनल नंबर्स आपके निकल जाएंगे। इसी तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब बच्चों देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर answers। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि वो कथन सही है या गलत है, और उसके साथ हमें कारण भी देना है, रीजन भी देना है कि क्यों वो स्टेटमेंट गलत है या क्यों वो ट्रू है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब ये है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्या है ये स्टेटमेंट आपका, बिल्कुल सत्य बात है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। हम जानते हैं रीजन क्या है, हम जानते हैं होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, और नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, फिर अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप देख रहे हो कि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर ही है ना, यानी होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है ना, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब आइए देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। यानी इंटीजर में क्या आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि होल नंबर में क्या आते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। ये यही ना आपका होल नंबर है। तो देखिए, आप होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, बट सभी क्या है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं, जबकि आपका इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट है थर्ड जो स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है, बट हम होल नंबर को पी बाई क्यू के
फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी होल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक। और रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, बट होल नंबर क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। हाँ, सभी होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँ कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों में से पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैंने रीज़न दे दिया है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो ये ट्रू है, क्योंकि आप देख रहे हो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, जबकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी अगर हम जीरो को हटा दें तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस होल नंबर में जीरो आ जाता है, नेचुरल नंबर में वो जीरो नहीं रहता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, ठीक। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, जबकि होल नंबर में सिर्फ क्या आते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट भी क्या है, आपका गलत है, क्योंकि हम रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि होल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जबकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ये रीज़न है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, जबकि सभी होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये सही होगा, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट यही दिया है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपका रॉन्ग है। तो ये चार क्वेश्चंस, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, और ये मैंने सॉल्यूशन करा दिया एक्सरसाइज 1.1 का, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग देख सकते हो इसको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू।